हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसे अगर आज हम ज्वाइन करते हैं तो फ्यूचर में हमें यहाँ से हो सकता है $100, $200, $500 का फ्री प्रॉफिट। जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है सोनिक V1। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि इसका मेननेट रिलीज हुआ है। हम यहाँ पे अगर इसको एज अ अर्ली यूजर यूज करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, सो एज अ अर्ली यूजर ये अपना खुद का सोनिक टोकन जो है एज अ एड्रॉप दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है 70% कम्युनिटी एड्रॉप यहाँ पे दे सकते हैं एज अ लिक्विडिटी इंसेंटिव एंड इकोसिस्टम फंड्स के थ्रू। तो इसी प्लेटफॉर्म को हमें यूज़ करना है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर इनका कोई एड्रॉप आता है, जो कि ऑब्वियसली आएगा, इनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। किस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना है, तो सभी डिटेल्स, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अपडेट्स की हम लोग बात करेंगे, जिन एड्रॉप्स को फ्री में ज्वाइन करके हम सबको प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले मैं बात यहाँ पे कर लेती हूँ ओपन लेवरेज की, जिसका हमने टेस्टनेट ज्वाइन किया था। अब उसके टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यहाँ पे मैंने टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ अपडेट शेयर किया, लिंक आपको यहाँ पे दे दिया है। अपने टेस्टनेट के उसी वॉलेट को इथेरियम चेन से कनेक्ट करके आपको यहाँ पे रिवॉर्ड वाला सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने इस टेस्टनेट को ज्वाइन किया था, सभी टास्क अच्छे से कंप्लीट किए थे, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको यहाँ पे आपका रिवॉर्ड इस तरीके से शो हो जाएगा, जैसे कि सभी मेंबर्स को यहाँ पे शो हो रहा है। किसी मेंबर को यहाँ पे 500 टोकन्स मिले हैं, कुछ मेंबर्स को 800 टोकन्स मिले हैं, और तो किसी को 300 टोकन्स मिले हैं। आप भी चेक कीजिएगा कि आपको कितने टोकन्स रिसीव हुए हैं, और हमें हमारे TS हेल्प ग्रुप में आके जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एड्रॉप है जो हमने फ्री में ज्वाइन की थी, उसकी विनर लिस्ट आ चुकी है। फटाफट से आप लोगों को चेकआउट करना है। टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल पे एक्टिव रहिए एड्रॉप्स एंड अपडेट्स के लिए। अगर आपने एड्रॉप ज्वाइन किया होगा तो इन विनर लिस्ट में अपने एड्रेस को चेकआउट कीजिए। अगर एड्रेस है तो वेट कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ यहाँ पे मैं बताती रहती हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। पिगी प्लैनेट की, बोविन की एंड हीरो बुक की एड्रॉप विनर लिस्ट आ चुकी है, फेट ऑफ सागा की विनर लिस्ट आ चुकी है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, आपको जब वेट करना है, अगर नेम आपका नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली उस टेलीग्राम ग्रुप को, ट्विटर को लीव कर देना है, बट अपडेटेड रहिए, जिससे कि आपका टेलीग्राम भी फुल ना हो और आप डेली की डेली यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जो है डिलीट करते रहेंगे, तो न्यू एड्रॉप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता देती हूँ, जो हमने गैलीलियो वाली एक्सचेंज का एड्रॉप ज्वाइन किया था, वैसे तो अपडेट दे दी थी कि आपके पास यहाँ पे मेल आया होगा, GELT सर्च करेंगे तो आप लोग, आपको वॉलेट एड्रेस आपका देना है BAP20 का, तो आज लास्ट डे है। अगर आपने अभी तक फिल आउट नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। अगर ये फॉर्म ओपन हो जाता है, लॉगिन कर लीजिएगा अपने अकाउंट को और अपना BAP20 एड्रेस दे दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद ये लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है 28 जनवरी तक शुरू कर देंगे। बाकी अपडेट्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। आ जाते हैं हमारे आज के प्लेटफॉर्म की साइड, जहाँ पे हमें ये चार इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको इनके मेन पेज पे आ जाना है, app.sonic.oswap पे। मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पे स्वैपिंग का टास्क कंप्लीट करना है, पर इसके लिए आपको जिस वॉलेट को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, वो आपको प्लस जो है वॉलेट है वो आपको कनेक्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन होना चाहिए इसका, इसके एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड सेकंड चीज़ बता दूं कि अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो कीवी ब्राउज़र का यूज़ कीजिएगा, फिर इस एक्सटेंशन को आप ऐड कर लीजिएगा। एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आपका वॉलेट कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। बट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना रखा है, बट आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आपके जो मेन फ्रेसेस होंगे उन्हें संभाल के सेव करके रख लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर कभी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत हो तो अपने अकाउंट को आप इंपोर्ट कर पाएँ। देन इसके बाद आपने इस प्लस वॉलेट से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरीके से लोडिंग होगा। सो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे जाके अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। इसके लिए आपको कुछ ICP टोकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके प्लस वॉलेट में होने इम्पॉर्टेंट है। तो ICP को डिपॉजिट करने के लिए आपको अगेन इसी ऐप में आ जाना है। यहाँ पे डिपॉजिट वाला सेक्शन आपको दिखेगा, इस डिपॉजिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है।
पहले तो आप यहाँ पे ICP की वैल्यू देख लीजिए, एक टोकन की वैल्यू यहाँ पे $21.10 है। सेकंड चीज़, अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो ये इजीली आपको बाइनेंस एक्सचेंज पर मिल जाएगा। आप बाइनेंस एक्सचेंज से इसको बाय कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आपको एक बाय करना है, आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कितने भी रुपये का यहाँ पे इसको बाय कर लीजिएगा। बाय करने के बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास यहाँ पे ICP आएगा, इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपके पास यहाँ पे दो एड्रेस आपको शो होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको यहाँ पे एक्सचेंज से अपने विड्रॉल को लाने के लिए इस वाले वॉलेट में यहाँ पे इस वाले वॉलेट का यूज़, इस वाले एड्रेस का यूज़ करना होगा। तो सिंपली सेकंड वाले एड्रेस को आपको सिंपली कॉपी करना है और बाइनेंस एक्सचेंज पे जाना है। बाकी और भी एक्सचेंजेस हैं, आपको जो सही लगे आप यूज़ कर लीजिएगा। देन मेरे पास यहाँ पे वॉलेट में कुछ ICP यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी हमको दो टोकन में प्रोवाइड करनी है, एक तो है WICP और एक है इनका XTC। तो ICP हमारे पास जो आया है, पहले हम स्वैपिंग कर लेते हैं WICP में। तो जो ICP हमारे पास है, कुछ टोकन हम यहाँ पे WICP में स्वैप कर लेते हैं। सो 1 ICP से मेरे पास 1.27 अमाउंट है, तो मैं 1 ICP ले रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ फीस हमें ट्रांजेक्शन्स के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 1 लूँगी एंड यहाँ पे टिक कर देते हैं, देन रैप पे क्लिक कर देते हैं। देन आपके प्लस वॉलेट में यहाँ पे अप्रूवल आएगा, अपना पासवर्ड दे दीजिएगा, अप्रूवल दे दीजिएगा जिससे स्वैपिंग कम्प्लीट हो जाए, देन कन्फर्म कर दीजिएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 WICP मेरे पास आ चुका है। अब इस 1 WICP से मैं स्वैप करूँगी XTC। सो मैंने यहाँ पे WICP सिलेक्ट किया, यहाँ पे XTC सिलेक्ट किया और मेरे पास जितना बैलेंस था उसका आधा अब मैंने यहाँ पे XTC जो है ये ले रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें WICP और XTC दोनों में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, और आपको पता है जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो दोनों का अमाउंट जो है मेरे पास सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आधा ले लिया है। रिव्यू स्वैप, कंफर्म स्वैप, स्वैप इन प्रोग्रेस, यहाँ वॉलेट से हम कन्फर्म कर देंगे ट्रांजेक्शन को। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट का वेट करना होगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हमने दो दो बार स्वैपिंग यहाँ पे क्यों करी है, कि ICP से पहले हमने WICP लिया, फिर WICP से हमने XTC लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करनी है वो WICP और XTC में करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्वैप किया। आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, मेरे पास 7.72 XTC भी आ चुके हैं, WICP आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिक्विडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन को क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देन मैंने यहाँ पे WICP ले लिया है, नीचे XTC ले लिया है, एंड उसके बाद आप अगर ऊपर से मैक्स करेंगे तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैक्स करती हूँ, तो मेरा जो अमाउंट रहेगा वो इनसफिशिएंट रहेगा, तो क्योंकि मेरे पास XTC जो है WICP के कंपैरिजन में कम है, तो मैं यहाँ पे XTC को ही मैक्स ले लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी तरीके से सही रहता है। एंड यहाँ पे रिव्यू सप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देन कंफर्म सप्लाई के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई होगा ट्रांजेक्शन। आपके प्लस वॉलेट में कन्फर्म करने के लिए ऑप्शन आएगा, कन्फर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी सक्सेसफुल हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है कि मेरी यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो कभी भी इसे रिमूव कर सकते हैं और अपना फंड विड्रॉ करके अपने लगाए गए अमाउंट को जो है दोबारा ले सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर इसको करके यहाँ पे छोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो अनाउंसमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे 75% जो है कम्युनिटी को एज अ एयरड्रॉप देंगे यहाँ पर, तो एक बिग अमाउंट हमें रिसीव हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर एयरड्रॉप के लिए हमने इतना काम यहाँ पे करके छोड़ दिया है, जैसे कि इन्होंने यहाँ स्टेप्स में बताया था। करना ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, बट ये आपके पास वापस आ जाएगा। आप चाहे कभी भी इसे रिमूव करके यहाँ से माइनस पे क्लिक करके आप अपने फंड को दोबारा ले सकते हैं। फिलहाल इतना कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फ्री एयरड्रॉप के बारे में बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे सुपर बुल के फ्री टोकन्स आपको रिसीव हो रहे हैं 5 ROI के। ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके ऊपर पहले भी आपके साथ यहाँ पे डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे 5 ROI की एक्सचेंज पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है।
अपना अकाउंट क्रिएट करके किस तरीके से फ्री के टोकन ग्रैब करने हैं। सो इससे पहले वाले एयरड्रॉप से भी हम सभी मेंबर्स ने यहाँ पे $100 $200 का प्रॉफिट लिया। अब जो इनका न्यू वाला ये एयरड्रॉप आया है एस बुल का, जिसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है कि यहाँ पर न्यू यूजर्स जो है अगर आपके रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है, और इसके अलावा यहाँ पर $10 का आपको ट्रेड करना मस्ट है। तो सिंपल सा काम है कि अगर आपका अभी भी अकाउंट नहीं है तो जल्दी से अकाउंट फाइवरोवी पर क्रिएट कीजिए, जिसमें एसबुल टोकन्स मिलेंगे, केवाईसी कंप्लीट कर दीजिए और $10 की ट्रेड को कंप्लीट करके आप चाहें तो दोबारा अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके 3 दिन बाद ही आपको एसबुल टोकन रिसीव होंगे। जब भी आपको रिसीव हो जाए उसके बाद ही विड्रॉ कीजिएगा अमाउंट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो मिस मत कीजिएगा। बाकी इम्पॉर्टेंट एयरड्रॉप था इसलिए बता दिया, करना ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है। केवाईसी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पे सडनली बहुत सारा ट्रैफिक जो है यूजर्स का गया है, क्योंकि एसबुल के फ्री टोकन्स यहाँ सभी मेंबर्स को मिल रहे थे। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी और भी इम्पॉर्टेंट एयरड्रॉप्स अपडेट आपके साथ यहाँ शेयर की है, तो प्लीज़ यहाँ पे एक्टिव रहिए, सभी एयरड्रॉप्स अपडेट्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में सबके बारे में बताने से वीडियो हो जाती है काफ़ी लंबी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।